सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से एक बार फिर नमस्कार। आज हम बात करेंगे भी जैविक कीटनाशक कुछ अलग तरीके का, जो हम पहले 5 पत्ती का 7 पत्ती का जो जैविक कीटनाशक बनाते थे, जो जो हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसलों पे वो असर करना बंद कर देता है। जब हम रेगुलर किसी फसल पे 2 या 3 बार कोई जैविक कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो आज हम कुछ अलग तरीके का, कुछ आइटम हमें पहले होंगे लेकिन कुछ आइटम हम बढ़ा के और उस जैविक कीटनाशक बनाएंगे। ये जैविक कीटनाशक के साथ साथ है आपकी खेती के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का लाभदायक होगा, क्योंकि इसके अंदर कई तरह के न्यूट्रेंट वगैरह, हर तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक के काफ़ी मात्रा में अलग अलग पेड़ के अंदर अलग अलग आपको मिलेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे को ज़रूरत क्या है, या तो आप गौमूत्र के साथ बनाएं या वेस्ट डिकम्पोज के साथ। अभी हम बनाने जा रहे हैं वेस्ट डिकम्पोज के साथ। तो सबसे पहले हमको आवश्यकता किस किस चीज़ की पड़ेगी, कुछ आइटम हमारे पहले हैं, मैं आपको फिर भी दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास है अखवा है, आग के बाद ये हमारे पास धतूरा है। धतूरे को अच्छी तरह समझ ले, कई बार कई आदमी समझ नहीं पा रहे, ऐसा फल होता है इसका। धतूरे के बाद ये हमारे पास नीम है, और नीम के बाद ये बकैन है। बकैन के बाद ये हमारे पास भांग है। इस तरह से आप अरंडी भी ले सकते हैं। ये हमारे पास है, आप इसको अच्छी तरह से देखिए एक बार, इसके पत्ते को देखिए, इसमें कांटा होता है। हम देसी भाषा में उल्टा कांटा बोल देते हैं। इसके अंदर कई तरह के न्यूट्रेंट वगैरह होते हैं। इसके बाद ये अतिबला का पेड़ है। आज तक हम इसको इस्तेमाल करते आए हैं भाई शारीरिक बीमारी का, यानी कि कई तरह से बलवर्धक होता है ये। इंसान में किसी भी तरह की कोई कमजोरी हो, उस कमजोरी को दूर करता है, और लेडीज के अंदर किसी भी तरह की जो शारीरिक बीमारी होती है उसको भी दूर करता है। तो ये इस तरह से हमारी फसल के लिए बहुत वरदान साबित होने जा रहा है। इसका हमने इस्तेमाल पहले करके देखा है। ये मकोए है, आप मकोए का भी वो लेंगे। ये हमारे पास गाजर घास है, ये गिलोय है, इसको हम गंदीली बोलते हैं इधर अपने उसमें। ये गाजर घास का एक दूसरा रूप होता है। ये हमारे पास है एक देसी बथुआ, यानी कि खड़ बथुआ बोल देते हैं हरियाणी भाषा में। बथुए का ही एक अलग रूप होता है इसका, और इस पर कई तरह के ऐसे ऐसे ये बीज काफी मात्रा मिलते हैं। आप इस तरह से ना घबराए भाई, आपके पास ये मिलेगा कि ना मिले, ये एक अलग तरह का पेड़ होता है, इसको बासीला पेड़ बोल देते हैं। तो आपके पास कोई भी, जैसे ये है पालक है, राना पालक बोल देते हैं, ये भी एक गाजर घास का एक रूप होता है, और ये भी गाजर घास का रूप होता है। तो इस तरह से आप अलग अलग लगभग 15 तरह के, कोई भी जिसको गाय भैंस ना खाती हो, आपके खेत में किसी भी तरह का पौधा जो भी खरपतवार के रूप में आपके खेत में उगता है, उसको आप अच्छी तरह से लेंगे और इसको बारीक के काट के कूट लेंगे। कूटने के बाद आज हम बात करेंगे 50 लीटर की। ये हमारे पास है 50 लीटर का ड्रम है, इसमें हमने वेस्ट डिकम्पोजर डालना है। आप गौमूत्र के साथ ही बना सकते हैं। 30 लीटर गौमूत्र लेंगे। हर आइटम आप लगभग, जितने भी आइटम हमको आपको दिखाए हैं, हर आइटम आप लगभग आधा आधा केजी लेंगे। इसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा और करना है। एक्स्ट्रा क्या करना है, 50 लीटर जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें आपने 500 ग्राम गुड़ का घोल डालना है। और जब भी हम स्प्रे करेंगे, स्प्रे के साथ हम इसको मिक्स करेंगे।
जो भी हमारा ये मटेरियल तैयार हो जाएगा, ये लगभग हमारा 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद जो भी हमें नीम की पत्ती से भाई लहसुन से और इसके अंदर हमने डाल रखा करेला और हरी मिर्ची, ये इसका यूज और करेंगे हमें लगभग जो अपने 15-16 लीटर की जो ड्रामी होती है उस ड्रामी के अंदर हम इसको 30 से 32 ml मिला के इसका इस्तेमाल और करेंगे। और अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था लेकिन हमारे पास ये है एलोवेरा जूस, आप इसमें एलोवेरा जूस साथ के साथ डालेंगे और आपने कुछ आइटम और डालने हैं। कुछ आइटम हमारे पास है, कुछ आइटम नहीं है, आपने हल्दी, हल्दी हमने इसके अंदर कूट के डाल दी है, हल्दी डालनी है, हरी मिर्ची डालनी है, लहसुन डालना है, ये लगभग आपने इसके साथ है लगभग पाव पाव भर यानी कि 250 ग्राम 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम हरी मिर्ची, 250 ग्राम लाल मिर्ची, 250 ग्राम लहसुन और इसके साथ 250 ग्राम हमें तम्बाकू और ले सकते हैं, जो खाने वाला तम्बाकू होता है, खुला हुआ तम्बाकू होता है बगैर केमिकल वाला, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से हम सारा आइटम हमने मिक्स करके और इसके अंदर ये कूट दिया है, इसको आप अच्छी तरह से बारीक कूट ले, जितना भी ज़्यादा बारीक आप इसको कूटेंगे इस तरह से आपको इसको या मिक्स के अंदर ग्राइंड कर ले, जो भी आपके पास है सुविधा हो उस सुविधा के अनुसार है आप हर आइटम इसको मिला के और कोई भी बंद ढक्कन का ड्रम ले और उसके अंदर हर आइटम डाल दें। इस तरह से हर आइटम डालने के बाद उसमें वैष्णी कंपोजर कल्चर है हमने कुछ पहले डाल रखे है, इसके अंदर कुछ अभी हम आपके सामने डाल रहे हैं। और इस तरह गुड़ का घोल भी डाल दें। और इसके साथ साथ है आप एलोवेरा का जूस जो है वो भी डाल दें। 50 लीटर का जो हमने ये अभी जैविक कीटनाशक बनाया है इसमें लगभग हम 250 ml के आसपास ये डाल देंगे। हमने पहले से डाल रखा था इसमें, ये सब सैंपल के लिए दिखा रखा था। इसको आप रेगुलर 5 से 7 दिन घुमाएंगे, घुमाने व 15 दिन के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जैसे हमारा 20 से दिन के आसपास हो जाएगा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से एक बार हिला के और 15-20 मिनट के लिए छोड़ के इसको छान के अच्छी तरह से, जितना आप 2 या 3 बार 4 बार इसको छानोगे तो आपकी मशीन के अंदर ये मशीन चोक नहीं होगी जो स्प्रे मशीन होती है, और उसका छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करते समय मैंने आपको पहले बताया था इसका इसके साथ है मिक्सिंग ज़रूर करें। और आप जैसे हमारा जो जैविक कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक प्लस वैष्णी कंपोजरा कल्चर और प्लस अपना एंजाइम जो नीम करेला हरी मिर्ची और लहसुन से बना हुआ है इसका इस्तेमाल करें। आपकी किसी भी तरह की कोई भी सब्जी की खेती है या आपकी बागवानी है, किसी भी तरह कोई भी कीट आपकी, जब रेगुलर आप 3 स्प्रे लगाओगे तो आपकी हर तरह से फसल का पूरी तरह से रोकथाम होगी हर तरह कीटों से, और आपकी फसल आप देखोगे भरपूर मात्रा में। इसके साथ साथ आप एक अजमाइश और कर सकते हैं, जब भी आप जैविक कीटनाशक स्प्रे लगाएं उसके साथ आप एक एंजाइम और होता है हमारा जो रसीले पदार्थों से बनता है, जैसे भाई अपना संतरा है, किन्नू है,
मौसमी है या भाई नींबू है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अंदर कुछ मात्रा में जिस समय फ्लावरिंग हो, फ्लावरिंग के समय शहद मिला के और स्प्रे लगा दें, उससे क्या होगा आपकी फ्लावरिंग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके की होगी। और जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी उतनी ज़्यादा आपकी प्रजनन जो शक्ति होती है, यानी कि नर और मादा का जो खेल होता है शिवजी के अंदर, वो आपका कई गुना बढ़ जाएगा। और जितने ज़्यादा गुना बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा आपको फल प्राप्त होंगे हर तरह से। तो दोस्तों, जिस किसान भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट में एक बात कहूँगा, जिस किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो उसको तय दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और एक हमारा दूसरा चैनल है आर के कटारिया खेती जानकारी, उस चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आने वाले समय में विभिन्न विभिन्न तरह की वीडियो हम उस पर डालने जा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।